की प्रसिद्ध सिवान में लगने वाला मौनिया बाबा मेला को लेकर प्रशासन ने कर दिया बड़ा ऐलान। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को लेकर डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला प्रशासन और मेला समिति के बीच बैठक हुई। बैठक मेला की तैयारी को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला की राजकीय दर्जा के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। इसकी प्रक्रिया पूरी सरकार को भेज दिया गया है। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को मौनिया बाबा मेला परिसर में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी अमितेश कुमार ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष, मेला प्रबंधन समिति के सदस्य, शांति समिति के सदस्यों और लाइसेंसधारी के साथ संयुक्त रूप से एक बैठक की। डीएम ने सदस्यों से कहा कि जिस प्रकार विगत वर्षों में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है, उसी प्रकार इस बार भी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। इसमें आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। निर्णय लिया गया कि डीजे ऑर्केस्ट्रा शस्त्र शस्त्र और भाला के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक प्रतिनियुक्ति, शहर में साफ सफाई और जुलूस के दौरान प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से विभिन्न स्थलों की निरंतर निगरानी होगी। डीएम ने अखाड़े घारियों से कहा कि वे समय सारणी का पालन करें, अनुशासन के साथ अखाड़ा का प्रदर्शन करें। प्रशासन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मेला को राजकीय मेला घोषित करने के लिए मैंने राजस्व और भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट भेज दिए हैं। डीएम ने कहा कि माननीय सांसद सहित अनेक जनप्रतिनिधियों द्वारा राजकीय मेला का प्रस्ताव रखा, जिसे विभाग को भेज दिया गया। डीएम और एसपी के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। वहीं जुलूस के दौरान लंबी अवधि तक विद्युत कटौती से नगरवासियों की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जुलूस के निर्धारित अवधि के पश्चात विद्युत आपूर्ति देने का सुझाव दिया गया, जिस पर समन्वय स्थापित कर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि मेला के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगी, जगह जगह महिला पुलिस की तैनाती रहेगी, साथ ही हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान के साथ साथ तमाम अधिकारी लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी भी मौजूद हैं। बाबा मेला कब है जी? मेला जो है पहली तारीख को जो है जुलूस है और दो तारीख को मेला है। सितंबर में। अच्छा, मतलब मेला कब लगता है, किस माह में मेला लगता है? मेला हर साल भाद्र मास के अमावस को जो है मेला लगता है जी। एक दिन पहले जुलूस निकलता है, अगल बगल के गाँव के लोग जो है आते हैं यहाँ पर, जो है अखाड़ा जो है भी लोग निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। मौनिया बाबा का ख्याति दूर दूर तक फैला हुआ है। मौनिया बाबा के पास जो लोग भी आते हैं उनका मुराद पूरा होता है। मौनिया बाबा क्षेत्र में बहुत जो है जागरूक देवता हैं, उनकी सभी लोग जो है यहाँ आकर पूजा करते हैं, बाबा सबकी मन्नत पूरा करते हैं। मतलब जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है? हाँ, जो भी पूजा पाठ करते हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, मेला में कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे सामान बेचने या पूजा पाठ करने काफ़ी दूर से लोग आते हैं? मेला में दूर दूर से लोग आते हैं, लगभग 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, अगल बगल के लोग भी आते हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर मिलजुल कर जो है अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, मंदिर के जो पुजारी हैं मेरे साथ मौजूद है, आप